करके तू मन्ने बर्बाद गई रे, लेके मेरे सुखे तू स्वाद गई रे। ओ रोज रोज मरण ते ठीक से, जे चली जांदी एकदम मार के। पाड़ी के बाद में तो ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि नशे में है बंदा, तो धीरे धीरे देख के भी उसकी अगली वाली आने वाली पीढ़ी भी है वो भी उसकी तरफ। मूवी और मिली है मेरे को, मूवी का अपॉइंटमेंट आया है सिक्का प्यार का। आज के दिन मैं म्यूजिक डायरेक्टर भी हूँ तिल फिल्म का, और सिंगर भी हूँ और लिख भी ठीक ठाक लिख भी। तो छोटे छोटे बच्चे हैं आज के दिन, वो भी मतलब कि बदमाशी का शौक पालने लग रहे हैं। तो भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बस गानों को सुनो, इन्जॉय करो। अभी तक देख लो 3 नोटबुक मेरी भरी हुई है अभी भी, और चौथी चालू है। हरियाणवी कलाकार हैं, मुझसे बातचीत करवाएंगे, उनका नाम है डिक्की खातोद जो महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में गांव पड़ता है। ये हम उनसे खास बातचीत करते हैं। सर आपका आईसीटी मीडिया में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदम प्रणाम। तो आप हमें ये बताइए, आप जो ये है हरियाणवी जो कलाकारी लाइन है, डांसर की है, गाने की है, मॉडलिंग की है, आप इनमें कितने साल से काम कर रहे हो? मेरे को लगभग 4 साल हो गए और 5वीं साल है। जैसे कि मैं 7th क्लास से कर रहा हूँ ये। तो पहले मेरा मतलब कि यही था कि भाई मैं नेवी में जाऊं, एयरफोर्स में जाऊं। फिर बाद में मेरा टारगेट बदल गया 7th क्लास में, आज मतलब कि मैंने ये सोचा कि अपना नाम कमाना है। तो मेरे पास थे 2 ऑप्शन थे, एक तो राजनीति और एक ही स्विमिंग लाइन। आपने स्विमिंग लाइन को चुना है? जी, क्योंकि राजनीति में घने बर्बाद होते देखे मैंने भी, नाम चले ना चले, जीता हारे। तो फिर मैंने स्विमिंग लाइन मैंने धीरे धीरे लिखना शुरू किया, जैसे कि मैंने कविता लिखी, धीरे धीरे गाने लिखते गया मैं, और काफ़ी फिर गाने लिखे और मेरे काफ़ी गाने बिके भी हैं उसके बाद में। पहले तो जैसे कोई वैल्यू भी नहीं थी। कितने गाने लिख दिए अभी तक आपने? अभी तक देख लो 3 नोटबुक मेरी भरी हुई है अभी भी, और चौथी चालू है। 3 नोटबुक में लगभग अभी तक कितने गाने हो गए होंगे? लगभग हो गए भाई 50 से 70 तक हो गए होंगे, लगभग 50 से 70 तक गाने हो गए। और अभी जैसे कि मैं बहुत कम लिखता हूँ, पहले जैसे कि लिखता था, अभी वही बात है ना, पका पकाया माल मिल जाओ तो फिर पकाने की जरूरत है। आज के दिन, हाँ आज के दिन मैं गाने सुन सुन के बाढ़ का करेज हो रहा है कि भाई मैं भी मतलब किस लाइन में हूँ, तो वे गाने लिखते हैं शुरू में। जैसे कि मैं लिखता था पहले भी, तो मैं उनसे मैं लिरिक्स है वो खरीद लेता हूँ। तो अभी आप फिलहाल स्टडी कर रहे हो या छोड़ दिया आपने? जी अभी मैंने 10th के एग्जाम दिए और मैं 11th क्लास में हुआ है आपकी बार। तो आगे भी स्टडी भी साथ साथ चलेगी या फिर इसको छोड़ने का कुछ है कहाँ? 12th तक मैं स्टडी करूँगा और बाकी फिर मैं इस लाइन में आना चाहूँगा, क्योंकि आज के दिन मैं म्यूजिक डायरेक्टर भी हूँ तिल फिल्म का, और सिंगर भी हूँ और लिख भी ठीक ठाक। म्यूजिक डायरेक्टर भी हो आज के दिन आप। तो आपको ये पहला मौका है, पहला चांस कैसे मिला, कहाँ मिला आपको ये? मैं लिखता रहा पहले तो पहले स्टूडियो वाले होते हैं जैसे कि रिकॉर्ड लिस्ट होते हैं, तो इनका भी मतलब कि घमंड सा रहता था, इनको भी एटीट्यूड रहता था कि मैं कह दिया कि सर एक सॉन्ग करना है आ जाओ कल, मतलब कि लारा देते रहा करते, कि टाइम ही टाइम देते रहते कि उस समय आओ, मतलब कि रिकॉर्ड नहीं करते ढंग से। तो धीरे 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 मतलब कि थोड़े बहुत लिंक बने मेरे और अनिल राजपूत, धीरे धीरे लिंक बने मेरे, और फिर मैंने सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया एक अपना, और वो मतलब भी लगभग 7-8 सॉन्ग मेरे अभी पीसी में पड़े हुए हैं, वो रिलीज़ नहीं हुए हैं, बाकी आने वाले टाइम में भी रिलीज़ कराएंगे। और मैंने काफ़ी कलाकारों के साथ काम भी किया है, मासूम शर्मा है। धीरे 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 मैं मतलब कि ठीक ठाक आ गया इस लाइन में, नाम भी हो गया मेरा थोड़ा बहुत, और अमित चौधरी हैं मेरे गुरु जी हैं, और उनकी बदौलत मैं आज यहाँ पर हूँ, उनसे मैंने म्यूजिक सीखा है। तो आपने इतने गाने लिखे भी हैं, तो हमारे दर्शकों को आप एक कुछ लाइनें गाकर सुना सकते हो? अपकमिंग सुना देता हूँ आपको। ओ कर के तू मन्ने बर्बाद गई रे, लेके मेरे सुखे तू स्वाद गई रे। ओ रोज रोज मरण ते ठीक से, जे चली जांदी एकदम मार के। ओ तेरे डेली रात रात के मैं रंग बदले यार, सोन लागे चिलम के दम मार के। ओ तेरे डेली रात रात के मैं रंग बदले यार, सोन लागे चिलम के दम मार के। और स्ट्रगलर सॉन्ग है अपना एक, माँ का लाडले भी है, काफ़ी सॉन्ग है अभी तो, माँ का लाडले है वो सुना दे जी। ओ जन्म लिया रे उस माँ की कोख ते, कर देना पूरे जिंद जान जोख के। वो प्यार व्यार लफड़े में पाछे पड़िए, अड़ जगरारी थक के ना गिरिए।
ओ माँ बाबू की जान तेरे में है बसरी, ओ माँ बाबू की जान तेरे में है बसरी, उठ के बदल दे ओ जाल हाथा का, तेरे में ओ बसे महाकाल लाडले, लिखा जावे पन्ना इब तेरी गाथा का, तेरे में ओ बसे महाकाल लाडले, लिखा जावे पन्ना इब तेरी गाथा का। ये फौजी की स्टोरी है। फौजी स्टोरी। तो हम आगे आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस उम्र में हम देखते हैं बहुत से युवक हैं, किसी को घूमने फिरने का शौक होता है, किसी को खेलने खाने का, सभी का अपना अलग अलग शौक होता है। तो आपका ऐसा कुछ शौक है, आपका यही एक शौक है? जी यही मेरा एक शौक है, घूमने घामने का। जैसे कि रिश्तेदारी में मेरी कहीं मन नहीं लगता, बस निवराना जाता हूँ, वहाँ पे मेरा मन लग जाता है। निवराना स्टूडियो है आपका? जी अंतिल फिल्म। तो हम ये कह रहे थे आज हम देखते हैं तो आज के युवा हैं, खासकर युवा नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे उनको? एक बात कहना चाहूँगा कि आज के दिन जो गाने सुन सुन के है, मतलब कि छोटे छोटे बच्चे आज के दिन जैसे कि बदमाशी के सॉन्ग आ गए, हमको जैसे पब्लिक के हिसाब से चलना पड़ता है कि पब्लिक की जो डिमांड उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं आज के दिन, वो भी मतलब कि बदमाशी का शौक पालने लग रहे हैं। तो भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बस गानों को सुनो, इन्जॉय करो, मतलब अपनी रियल लाइफ से जोड़ने का कोई। ये कह रहे थे आज के जो युवा है ना, वो नशे की तरफ जा रहे हैं, तो उनको आप कुछ संदेश देना चाहोगे? ये बात क्या है? देखो जी, इसके बारे में तो यही है कि हम तो सलाह दे सकते हैं, सॉन्ग कर सकते हैं उसके ऊपर कि भाई इस हिसाब से, क्योंकि काफ़ी बर्बाद हो रहे हैं आज के दिन। और नशे की तो ये बात है, एक मिनट रोके। पहाड़ी के बाद में तो ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि नशे में है बंदा, तो धीरे धीरे देख के भी उसकी अगली वाली आने वाली पीढ़ी भी है, वो भी उसकी तरफ कुछ ना कुछ, मतलब कि लगभग 25% तो उसकी ओर होता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने राष्ट्रहित में काम करना चाहिए और देश के लिए काम करें। अभी तक आपने कोई देशभक्ति गीत है वजन वो भी कुछ लिखा है अभी तक या नहीं? हाँ लिखा ज़रूर है, बाकी अपकमिंग टाइम में ऐसे लॉकडाउन है, अभी मेरे 8 सॉन्ग आने थे रेडी हैं, तो लॉकडाउन की वजह से उनकी शूट भी नहीं हो पाया। और एक बात और बता दूँ, एक मूवी और मिली है मेरे को, मूवी का अपॉइंटमेंट आया है सिक्का प्यार का, उसमें भी काम कर रहा हूँ मैं, आफ्टर लॉकडाउन उसकी शूटिंग है। अच्छा, उसमें भी काम कर रहे हो? उसकी शूटिंग महेंद्रगढ़ है, नीमराणा है, गुड़गांव है और दिल्ली है। चलो ठीक है।